मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक पम्मी दुनिया व्लॉग में। तो अभी शाम के बज रहे 6, तो अभी अच्छे से नींद लेने के बाद आप बोलोगे 6 बजे नींद, तो हमारा खाना पीना ही लेट होता है। खाते पीते बर्तन वॉश करते करते 4 बज जाता है, और उसके बाद तो खाने के बाद इतनी भयंकर नींद आती है ना कि पूछो हिम्मत, एकदम मन करता है कब बिस्तर पे जाए, कंबल ओढ़े और सो जाए। हालांकि मैं 6 बजे नहीं उठी थी, मैं 5 बजे उठ गई थी। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, दिया हवा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो उनका डिमांड था कि जब भी मैं ऑफिस से आऊँ तो मेरे लिए कॉफ़ी बना के रख देना। तो पहले हम फैट लेते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो कॉफ़ी बनाकर दे देती हूँ उनको। वैसे भी ठंडी में थोड़ा सा गर्माहट वाली चीज़ खानी पीनी चाहिए। तो उनको कॉफ़ी देने के बाद मैं आ गई हूँ मटर छीलने के लिए। मटर आके 2 दिन रखे हुए थे, 1 kg के हिसाब से मैं मटर लेकर आई थी, तो वो रखे हुए थे। तो मैं सोची इसको छील कर रख लेती हूँ। छील कर रखने से क्या होता है कि जब भी कुछ बनाओ तो इजीली आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आ गई दोबारा किचन में। शाम के 7:30 बजे आ गई थी किचन में दोबारा से चाय वाय लेने के बाद। तो मैं बना रही हूँ यहाँ मूली का पराठा, और मूली के पराठे की तैयारी मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है तो फिलिंग्स भरने में भी दिक्कत होती है। तो इसको पहले से ही आप फ्राई करके रख दोगे ना मूली को अच्छे से, तो बनने में आसानी होता है, ये फटता वटता नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है, लेकिन उतना भी नहीं निकलता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ध्रुव को दे दिया है डिनर, वो अपना करे डिनर, दूसरी साइड उसके पापा और आयुषी दोनों करे डिनर, मैं तो बाद में ही खाऊंगी। तो ये वाली जो क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की है, और आज तो गजब ही हो गया था। आज तो मैं सोई रहेगी 6 बजे तक। 6 बजे मेरी आँख खुली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। बच्चों को 7 बजे जाना है, 6 बजे मेरी आँख खुली है, तो 5 मिनट 5 मिनट के चक्कर में हमेशा ऐसे ही होता है। जब लेट नींद खुलती है ना, और बच्चे जिस दिन स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ऐसा क्या बने बनाए जो झटपट बन जाए। लेकिन वही है कि सब्जी पराठे या फिर कुछ और बनाने का उतना टाइम था नहीं मेरे पास। तो रात की फीलिंग्स बची हुई थी मूली पराठे की, उसी का मैंने पराठा सबके लिए बना दिया। वैसे भी सब बड़ी चाव से खाते हैं इस टाइम, मूली का गोभी का पराठा हो या फिर आलू का पराठा है। तो बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, उनके बैग में डाल दिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। अभी बच्चों के जाने में टाइम है, दोनों नहा रहे हैं, तब तक मैं अपने स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और ठंडी में सुबह सुबह हर किसी को भी उठने में आलस आती है, मुझे क्या बच्चों को भी आलस आती है। ध्रुव तो बोलता है उसका बस चले तो वो कभी स्कूल ही ना जाए, बोलता है मम्मी ठंडी में स्कूल क्यों चलती है, ठंडियों में छुट्टी होनी चाहिए स्कूलों की। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, बहुत तेज़ ठंडी जब पड़ती है तभी जाके स्कूल बंद होते हैं। हालांकि अभी स्कूल बंद होने में 1 हफ्ता रह गया, विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, और ऐसा वेकेशन कि इस वेकेशन में हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते क्योंकि तेज़ ठंडी पड़ती है और ठंडियों में ऐसे बाहर निकलना भी सही नहीं रहता है। जो तेल है ना जो मैं बनाई थी, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, तो आप एक दो बार लगा के देखो। एक दो बार में तो उतना होता भी नहीं है, लेकिन अवेसी के बालों में बड़ी तेजी से सूट किया है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी लगा दिया है बनने के लिए, आलू और मटर और ये पत्ता गोभी की सब्जी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। बाकी किचन का ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया है, मतलब ये सब फेंकना है, और ये जो बर्तन थे वो भी धुल गए, मैंने आधे बर्तन लगा भी दिए सूखे थे। तो बाकी स्लैब व्लैब सब साफ हो गया है, अब रह गया है बस ये पूरे घर की डस्टिंग। रूम, ये रूम और ये रूम जो बुरी हालत में है, ये और हॉल। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी साफ़ करनी है। हॉल तो उतना बिखरता नहीं है क्योंकि मैं बिखराने भी नहीं देती हूँ किसी को। रूम जितना फैलाओ फैलाओ, हॉल मतलब नहीं फैलाना चाहिए, तो मैं किसी को फैलाने नहीं देती। तो हॉल मेरा साफ़ ही रहता है,
ना भी डस्टिंग करूँ तो चल जाएगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, मुझे डेली कपड़ा मारना ही पड़ता है अपने मन को शांत करने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये न्यू एडिशन है, बुद्धा का सेट है ये कितने में, 190 में मुझे दो मिला है, ये दोनों काफ़ी छोटा साइज, बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है, मतलब एक हथेली के बराबर भी नहीं है, ये इतना छोटा है, मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ये छोटा आया है। तो मैं यहाँ पे रखने के लिए नहीं मंगाई हूँ क्योंकि इतना सारा सामान एक के ऊपर अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी और हटाकर दूसरी जगह में रखूँगी। मैं कुछ बनवा रही हूँ, कुछ नया बनवा रही हूँ, तो वो जब बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। मैंने तीन चीज़ बनवाने के लिए ऑर्डर दिया है, तीन वो बन जाएगा, फिर मैं ये सारा सामान इसमें से कुछ कुछ हटा के वहाँ रखूँगी, क्योंकि एक जगह इतना सारा सामान भी अच्छा नहीं लगता है, हौच-पौच सा लगता है, तो कुछ कम करूँगी इसमें से। तो अभी क्या है कि अभी सब्ज़ी बन रहा है, डस्टिंग भी करनी है, खैर इसको तो बनने में अभी टाइम लगेगा, मेरा कैमरा आज अजीब सा कर रहा रिएक्ट। अभी चलते हैं डस्टिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और आज मैंने प्लम्बर को भी बुलाया है, बाथरूम का जो मेरा नलका है ना बाथरूम वाला, वो टूट गया है, जिसमें गर्म पानी आता है वही टूटा हुआ है, तो अभी तो जैसे तैसे जुगाड़ से हमने लगा दिया है, अगर हाथ में आ गया ना मेरे तो फिर टंकी की ना पानी ना बह जाएगा। तो प्लम्बर को बुला रखे हैं, तो मुझे फटाफट नहाना होगा, और ऐसा प्लम्बर है ना कि सुबह ही आ जाते हैं, तो फटाफट काम करके मैं नहा लूँगी ताकि उसके आने के बाद मैं आराम से काम करवा लूँ। तो फटाफट ये सारा काम निपटा लेते हैं पहले। सुबह सुबह ऐसे सामान फैलता है घर में कि पूछो ही मत, किचन का सामान कभी इधर उधर, और एक साइड मेरा बन रहा है सब्जी, दूसरी साइड में कर रही हूँ डस्टिंग। तो हॉल तो उतना गंदा होता नहीं है, लेकिन मेरे दोनों रूम ना काफ़ी बिखर जाते हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े वपड़े इधर उधर फेंकते हैं, रेडी हो जाते हैं, हालांकि जिस दिन छुट्टियाँ होती है उस दिन हेल्प भी करते हैं दोनों, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम में उनके पास भी टाइम नहीं होता है, इतनी ठंडी में इतनी सुबह दोनों उठ जा रहे, उतनी बड़ी बात है, नहा हुआ कर चले जाते हैं। और अभी क्या है कि अभी मैंने ज़्यादा ही सामान कर लिया, एक दिन हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने कुछ ज़्यादा सामान यहाँ पे कर लिया है, जब शिफ्टिंग होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हम इतना सारा सामान लेकर जाना और तुम हो कि और मंगाए जा रहे बनवाए जा रही हो। सो गाइस, दोपहर में मार्केट गई थी तो सारी सब्जियाँ लेकर आई, फ्रूट्स में लाई एप्पल सॉरी ऑरेंज और कस्टर्ड एप्पल, और एक चीज़ और लाई हूँ कुछ जो खास है मैं दिखाती हूँ। ये लेकर आई हूँ मैं कप का सेट, ग्लास में सेलो का है, मुझे ये वाला चाहिए था तो ये मैं लेकर आई आज, 380 का पड़ा मुझे, 6 पीस, काफ़ी वजनी है, शानदार है, चाय कॉफ़ी सब पियो इसमें तो मज़ा ही आ जाएगा, तो मैं ये लेकर आई आज ये। और आज मुझे वुलन बेडशीट भी देखने थे, मैं सोची ऑनलाइन मंगाने से पहले एक बार बाहर देख लेती हूँ, क्या पता बाहर अच्छे मिले और अफोर्डेबल प्राइस में मिले, तो आज टाइम ही नहीं निकल, काफ़ी लेट हो गया, हम लोग लेट भी पहुँचे थे, एक दो और काम थे तो वो भी करना था, तो नेक्स्ट डे जाऊँगी, संडे वनडे को जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और मुझे एक दो चीज़ें और लेनी है, देखते वो मिलता है कि नहीं बाहर, मैंने तो काफ़ी लोगों से पूछा भी यहाँ कि वुलन बेडशीट मिल जाते हैं अच्छी खासी, तो बोले कि हाँ एक दुकान है आकाश हैंडलूम करके, वहाँ मिलता है, तो मुझे वो वाली नहीं चाहिए जो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है ना, आगे चल के ना उसमें रोवें आ जाते हैं, वो वाली नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए जो मेरे पास है उस कपड़े में चाहिए, वो सही रहता है, क्योंकि ये जो मैंने अभी लगा रखा है ना बेड पर, ये 5 साल हो गया अंबाला का लिया हुआ है, अभी तक चल रहा है, और अभी मुझे लग रहा है 2-3 साल आराम से चलेगा जब तक इसको मैं हटाऊँ नहीं, तो
देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर वही है कि फ्लिपकार्ट या फिर मीशो से मंगाऊंगी। सो गाइज, अभी मैं अपने ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए, कमेंट्स बहुत कम आ रहे, भर भर के प्यार दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय और ख्याल रखना।